हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सीखा कि पुष्प जो होते हैं पौधों के जनन भाग होते हैं। इनमें नर भाग और मादा भाग दोनों जनन भाग पाए जाते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग या नर जनन अंग होता है। तो पुंकेसर की संरचना, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, इससे संबंधित टॉपिक का वीडियो आई बटन में अवेलेबल है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना प्लीज, ठीक है। अब आते हैं मादा जनन अंग पर। तो स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प का मादा जनन अंग होता है, ठीक है, समझ में आया। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है या नर जनन अंग होता है, और स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होता है। अब क्या होता है कि पुंकेसर में नर युग्मक बनते हैं और एब्सोल्युटली लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु जनन होता है, जिससे पराकण बनते हैं और पराकण क्या होते हैं, नर युग्मक बनाते हैं, ठीक है। तो पुंकेसर के अंदर नर युग्मक बनते हैं और स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि पुंकेसर पौधे के पुष्प के नर जनन भाग होते हैं और स्त्री केसर मादा जनन भाग होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है कि क्या सभी पुष्पों में नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक साथ पाए जाते हैं, मतलब एक ही पुष्प में नर जनन भाग भी होता है और मादा जनन भाग भी होता है, क्या आप जानते हैं ऐसा होता है क्या? तो दोस्तों, कुछ पुष्पों में नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक साथ पाए जाते हैं। ये पुष्प जिनमें नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक साथ पाए जाते हैं, ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं? ऐसे पुष्पों को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। ऐसे पुष्पों को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, यानी कि द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। ऐसे पुष्पों में नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक ही पुष्प में एक साथ पाया जाता है, ये पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं, यानी कि द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम उभयलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको हम उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं, ठीक है। उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण क्या है? गुलाब उभयलिंगी पुष्प का परफेक्ट उदाहरण है, या फिर चाइना गुलाब जिसकी पंखुड़ियां बंधी हुई होती हैं, ठीक है, ये भी द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। अब ऐसे पुष्पों का क्या जिनमें नर जनन भाग और मादा जनन भाग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं, मतलब या तो किसी पुष्प में पुंकेसर पाया जाएगा, मात्र पुंकेसर, या किसी पुष्प में स्त्री केसर पाया जाएगा, केवल स्त्री केसर, ठीक है। तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पुष्पों को हम कहते हैं एकलिंगी पुष्प। ऐसे पुष्पों को हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे पुष्पों को कहते हैं। इनमें एक ही जनन भाग पाया जाता है, या तो मादा जनन भाग पाया जाएगा या फिर नर जनन भाग पाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पुष्पों के का एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल ऐसे पुष्पों का एग्जाम्पल है लौकी, ठीक है। लौकी में नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। उसी तरह आप ले लो कद्दू,
कद्दू में भी नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पुष्प के नर जनन भाग और मादा जनन भाग जानने के बाद अगली प्रक्रिया आती है परागण की प्रक्रिया, पॉलिनेशन की प्रक्रिया। परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। परागण या पॉलिनेशन ये पुष्पों में जनन के लिए अति आवश्यक प्रक्रिया है, ठीक है। तो परागण किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। परागण, इसको इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन, परागण क्या कहलाता है, देखिए, किसी पुष्प के पुंकेसर से, पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जनन भाग होता है, किसी पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का निकलकर पुष्प के किसी उसी पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प के पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। कहां तक पहुंचने की प्रक्रिया, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। फिर से समझा दें, किसी पौधे के पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के या पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में समझ लो, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या ट्रांसफर या पहुंचने की प्रक्रिया परागण क्रिया कहलाती है, ठीक है। और ये परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया एक ही जाति के पुष्पों में होती है, एक ही जाति के पुष्पों में। अब आप कहेंगे एक ही जाति के पुष्पों में होती है तो क्या एक ही पौधे पर एक ही जाति के पुष्प पाए जाते हैं, ऐसा आप कहेंगे। यानी कि परागण की प्रक्रिया एक ही पौधे के पुष्पों में होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि गुड़हल का परागण, गुड़हल का परागण गुड़हल के साथ ही होगा। जैसे गुड़हल का पुष्प है तो उसमें परागण की क्रिया गुड़हल के पुष्प के साथ ही होगी, और गुलाब के पुष्प का परागण गुलाब के साथ ही होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गुड़हल गुड़हल का परागण गुलाब के साथ हो जाए, ठीक है, ये संभव नहीं होता है। क्योंकि ये जो स्त्री केसर होता है ये बहुत ही बुद्धिमान होता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये समझ जाती है, ये स्त्री केसर का ये वर्तिकाग्र ये इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये समझ जाता है कि ये जो पराग कण आए हैं ये हमारी ही जाति के हैं या अथवा किसी और जाति के हैं। अगर गुलाब के पुष्प में परागण क्रिया हो रही है तो गुलाब के पराग कणों को ये वर्तिकाग्र अच्छी तरह से पहचानती है, हैं? गुलाब का पराग कण आएगा तो ही उस पराग कण को एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर गुड़हल का परागकण यहाँ पर आ गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा और आगे की प्रक्रिया निषेचन वगैरह की प्रक्रिया कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वर्तिकाग्र, स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, वेरी इंटेलिजेंट, यू नो दैट। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये कहेंगे कि जब परागण की क्रिया एक ही जाति के पुष्पों में होती है तो क्या परागण यानी पॉलिनेशन की क्रिया एक ही पौधे के सभी पुष्पों के बीच होगी, क्या ऐसा होता है क्या? तो आपका ये सवाल हमें ले चलता है आगे की ओर, आपका ये सवाल हमें ले चलेगा परागण के प्रकारों की ओर, ठीक है। जब
जब परागण की क्रिया एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया? जब परागण की प्रक्रिया एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब परागकण एक पौधे के पुष्प से निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे पर परागण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। जब परागकण किसी एक पौधे के किसी पुष्प से निकलकर दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, पुष्प अचल होते हैं, पौधे अचल होते हैं, पुष्प चल नहीं सकते, पौधे चल नहीं सकते, तो ये परागण की क्रिया कैसे संभव होती है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये परागण की क्रिया संपन्न कराने के लिए बहुत से कारक, बहुत से एजेंट इनकी मदद करते हैं। ये कारक कौन से होते हैं? ये कारक होते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स, दीज एजेंट्स, ठीक है। ये कारक कौन से होते हैं? ये होते हैं, सबसे पहले आ जाइए, अजैवीय कारक, ठीक है। अजैवीय कारक, अजैवीय कारक मीन्स ए बायोटिक एजेंट्स, ए बायोटिक एजेंट्स। ये अजैवीय कारक कौन कौन से होते हैं जो परागण में हेल्प करते हैं? ये होते हैं जल और वायु, ये अजैवीय कारक है। जब जल द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, जल परागकणों को बहाकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक ले जाता है तो ऐसे परागण की क्रिया को जल परागण कहते हैं। और जब वायु अपने साथ परागकणों को उड़ाकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक ले जाती है तो ऐसे परागण को वायु परागण कहते हैं, एयर पॉलिनेशन कहते हैं। अब आते हैं जैवीय कारकों पर। जैवीय कारक कौन से होते हैं? देखिए, जैवीय कारक, अभी आपने जाना अजैवीय कारक, अब आते हैं जैवीय कारकों के बारे में जानकारी के लिए। तो ये जैवीय कारक, इनको इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक एजेंट्स। अजैवीय कारक को एबायोटिक एजेंट्स और जैवीय कारक को बायोटिक एजेंट्स कहते हैं। ये बायोटिक एजेंट्स कौन होते हैं? देखिए, मधुमक्खी, पुष्पों पे मधुमक्खी बैठती है पराग चूसने के लिए, तितली, तितलियां भी बैठती हैं पुष्पों पर, उसके अलावा कीट पतंगे, कीट पतंगे भी अपने पैरों में और पंखों में परागकण चिपकाकर दूसरे पुष्प पर ले जाते हैं। इसके अलावा चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ भी परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके अलावा चींटियां, चींटियां भी परागण की क्रिया संपन्न करती हैं। ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प में चींटियां अपने साथ परागकणों को लेके जाती हैं और परागण की क्रिया संपन्न कराती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा कि परागण की क्रिया निषेचन के लिए कितनी आवश्यक है। परागण की क्रिया ये सुनिश्चित कराती है कि परागकण पराग कोष से सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए और पॉलिनेशन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, जब परागकण वर्तिकाग्र तक पुंकेसर से यानी पराग कोष से वर्तिकाग्र तक सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या डायरेक्ट निषेचन की क्रिया हो जाती है, सीधे सीधे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, या फिर और कोई प्रक्रिया बीच में होती है?
तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।